बी पॉजिटिव। आज अम्बाला छावनी के अंदर कुम्हार मंडी में हुई चोरी की वारदात, उस चोरी की वारदात को दिखाते हुए जहाँ पर हुई है वो चोरी, तो आइए आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद हुई तस्वीर। अम्बाला छावनी की कुम्हार मंडी के घर में चार अज्ञात चोरों ने उस समय चोरी को अंजाम दिया जब घर में रहने वाले लोग रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। चोरी की यह गली में लगे वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह चोर बिना किसी डर के सरेआम घर से लूटे गए सामान को कंधों पर लाद आराम से सड़क से जा रहे हैं। ना तो उन्हें पुलिस का खौफ था और ना ही किसी आने जाने वाले का। फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल जिनके घर में चोरी हुई वो लोग अब पुलिस से चोरों को जल्द पकड़ने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं कल 1:35 पे दिल्ली गया था अपने ससुराल, तो जब मैं सुबह टॉयलेट के लिए उठा तो मैंने वहाँ देखा कि घर के बाहर एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं फोटो डेली चेक करता हूँ अपने घर की जब से मैंने कैमरे लगवाए हैं। वो क्यों? क्योंकि हर किसी इंसान को अपने अपने वहम होता है जी, ठीक है जी। तो जब मैंने पत्थर को चेक करी ना रिकॉर्डिंग सवेरे 6 बजे, तो जैसे ही मैंने जब पत्थर तक पहुंची ना रिकॉर्डिंग कि किसने डाला था ये, वैसे दो लड़के यहाँ पे खड़े हुए थे, वो ताले को तोड़ रहे थे कुछ चीज से। तो जैसे ही मैंने 6 बजे की तो मेरे को हड़बड़ा गया, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने अपनी वाइफ को उठाया, मैंने कहा जल्दी उठो देखो हमारे घर में चोरी हो गई है। जब चोरी की फिर मैंने सारी फुटेज देखी, सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर को फोन करा, सिस्टर के बाद ब्रदर को फोन करा मैंने अपने कि मैंने कहा सिस्टर जल्दी उठ मेरे घर में चोरी हो गई है। तो मैंने देखा, जब सारी वीडियो देखने के बाद जब मैंने देखा ना, तो ये साथ वाले जो मेरे बड़े ब्रदर हैं बुआ के बेटे हैं, वो लोग यहाँ से उन्होंने ताला तोड़ा फ्रंट का और अंदर सेंटर लॉक लगा था, तो इनसे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो वो गली में गए, गली में उन्होंने देखा कि हमारे से कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने देखा साथ वाले सो रहे हैं। साथ वाले फिर उनके दरवाजे से पहले एक बंदा चढ़ा दीवार पे से, फिर दूसरा बंदा चढ़ा, फिर उन्होंने ऊपर गए, ऊपर जाके मेरा मोंटी का दरवाजा इन्होंने खींचा, लकड़ का दरवाजा लगा उसको खींचा, अंदर से बंद था वो लोग था। तो एक बंदे को उन्होंने अंदर घुसेड़ा, अंदर से अंदर खोला, फिर इन्होंने आते ही पहले बाहर वाला तोड़ा था फ्रंट का, फिर अंदर का सेकंड, फिर उससे अंदर का थर्ड, फिर जाके इन्होंने मेरा अलमारी खोली, अलमारी खोल के इन्होंने मेरा तिजोरी खोली, तिजोरी को तोड़ा इन्होंने अच्छी तरह, तिजोरी सारी तोड़ दी है। मेरा उसके अंदर 5 लाख रुपए तक का गोल्ड था और 1 लाख रुपए कैश पड़ा था, वो सब ले गए हैं। जो गोल्ड था मेरी मम्मी ने मेरे को शादी में चढ़ाया था, और जो मेरी ससुराल वालों ने जो मुझे दिया था, जैसे कि मेरी उसके अंदर 2 चैने थी मेरी, 2 अंगूठियां थी मेरी। किसी पे शक? शक तो मुझे जिसपे भी होगा वो बता दूंगा मैं, मगर मैं नाम गुम रखूंगा, मगर थोड़ी पुलिस जासूसी कर रही है। तो मैं चाहता हूँ। आपका नाम और एरिया कौन सा पड़ता है? कुम्हार मंडी पड़ता है और सामने नियर बाय सुविधा केंद्र है पर जैसवाल धर्मशाला। कौन से थाने में आपने इसकी नंबर डायल किया था? पुलिस आई थी तो हमारी कंप्लेंट वो यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में गई थी बलकाल सर को, तो वो अभी घर पे आए थे हमारे, सारे देख के गए हैं। तो देखने के बाद जिस समय चोरी की वारदात घटी उस समय यहाँ कितने लोग थे? यहाँ पे कोई नहीं था जी, दिल्ली में था। घर में कितने लोग हैं वैसे रहने वाले? मैं, मेरी वाइफ है और मेरी बेटी है।